देखो अज असी आए हैं, असी मेमोरेंडम दिता है क्योंकि जेडे नीले कार्ड है लोगों के कट्टे जा रहे हैं, 5,000 तो उपर लोगों के कट्टे गए ने अजे तक। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 11,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। हाँ, मेरा नाम सीमा राणी है। हाँ जी, असं मलहोत्रे वीर जी वाली गली च आए हैं, तो असं कल उरे अर्जी देना आए थे मिनी सर्टिफिकेट, तो वीर जी ने मोर से वह ला के दी सी, उन्होंने अर्जी फड़ी नहीं, कहते जिन्होंने थोड़ा कार्ड कट्ट ना वो छुट्टी देने गए। जी मैम, पुराने विश्वनगर रहते हैं, मकान नंबर 1010 है, तो हम जी 20-25 साल हो गए किराए पर रहते हैं, तो दो कुड़ियाँ मेरे पास, एक बेटा है, तो हमारा राशन कार्ड भी कटा गया, दो बार कणक मिली, हमें एक बार भी नहीं मिली, ना आपको मिली ना पहले मिली, राशन कार्ड कटा गया। अज असी पंजाब की सूबा मीत प्रधान बीबा जयेंद्र कौर जी की सरपरस्ती हेठ जिहड़े पिछले समय पटियाले शहर तो सानू कंप्लेंट्स आ रही हैं, साढ़े घर लोग आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साढ़े कार्ड कट्टे गए, 5,000 के करीब जोड़े है नजायज़ तौर पर यह जोड़ा कट मारिया, वो इस करके कट मारिया कि ये गरीब लोगों ने, किसी ने कांग्रेस को वोट पाई है, किसी ने BJP को पाई है, किसी ने अकाली दल को पाई है, किसी ने किसी होर पाई है, झाड़ू पोचे जिन्हें वोट नहीं पाई, वो लोगों के कार्ड सरकार कट रही है। पहले कणक दा वोटा नहीं दसते जे जाईदा, ते मशीन खराब है, जे अदकी गए ते कहंदे थोड़ा प्रशासन कड़ी करता की कीता जा। अच्छा, पहले तो हाड़ दे विचों खराब हो गया सी राशन कार्ड, जे हुण बणिया सी ते 5-4 वारी कणक मिली है, कदे पता ही नहीं लगता सी, वो कहिंदा मशीन नहीं आई है, जे मशीन ठीक हो जाऊगी फिर आयो असीं फोन करांगे, कोई फोन नहीं कीता सानू, कदे जबरदस्ती जाके देख लिया ते मिल गई, नहीं मिली। पिछले दिनी पंजाब सरकार की तरफों दो पिंडां अते शहरां दे विच कुछ कु परिवार दे 5,000 तों वध नीले कार्ड कढ दिते गए सन, अते इस मुद्दे नूं लै के अज भाजपा दे पंजाब मीत प्रधान बीबा जयेंद्र कौर ने पटियाला दे DC साक्षी शानी दे नाल मुलाकात कीती ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬਾ ਜੈਂਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DC ਮੈਡਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
सरकार कहती है कि असी नवे सिरे तो दोबारा कार्ड बनावांगे, लेकिन जदों बनने सी उदों ही इह कटने सी, लेकिन पहला ही क्यों कटे गए। इसे दे नाल ही बीबा जयेंद्र कौर ने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान आख रहे ने कि सानू एक साल दा समा दिता जावे, असी नशा खत्म कर देवांगे अते नशा तस्करां नू गिरफ्तार कर लवांगे, पर हाले तक एक नशा तस्कर ने इन्हां तों फड़िया नहीं गया। लेकिन केंद्र सरकार ने अमृतसर दे विच एक नशा तस्कर नू फड़न दे लई सेंटर खोल दिता, जिन्हां ने अपना काम शुरू कर दिता। डिप्टी कमिश्नर जो की मान, देखो अज असी आए हैं, असी मेमोरेंडम दिता हैगा क्योंकि जेडे नीले कार्ड है लोगों के कट्टे जा रहे हैं, 5,000 तो उपर लोगों के कट्टे गए हैं अजे तक, तो असी डीसी साहब नूं यही कहना आए थे इस तरह काम नहीं करो क्योंकि पिक एंड चूज हो रहा है। जेडे हर डिपो विच पांच कमेटी बनाई हुई है इन्होंने पांच बंदियां दी, और जेडा आम आदमी नूं सरकार जिहड़ी कहिंदी है कि असी आम आदमी की सरकार है, तुसी उन्हां दा ही रोटी खो रहे हो, और हुण कहिंदे सानूं कि असी दोबारा तो शुरू कर रहे हैं। करो दोबारा तो शुरू, पर पहले क्यों कटते कार्ड, लोगों का की कसूर है ये विच, और डिपो च पूरी कणक भी नहीं देंदे, और डिपो होल्डर जिहड़े ने इन्नी बुरी तरह औरतां नाल गल करदे ने, ये कोई तरीका हैगा। ਜੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਵਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ 20% ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਏ ਸੀ ਆ ਨਾ ਟੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ 12ਵੀਂ 'ਚ ਇੱਕ 10ਵੀਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭੋਇ ਸਸੀਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ 11 ਬਗਲੀ 'ਚ ਆਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਤੋਂ, 418 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, 80 ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ 11,000 ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1010 ਹੈ, ਤੇ ਹਮ ਜੀ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਪੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਤੀਨ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਬਾਰ ਕਣਕ ਮਿਲੀ, ਹਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਆਪਕੇ ਮਿਲੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ,
किसी ने किसी होर नूं पाई है झाड़ू पोचे नूं, जिन्हें वोट नहीं पाई वह लोगों के कार्ड सरकार कट रही है। और इन्होंने सब तो पहला जिहड़ा सरकार बनदे एक कम किया बड़ा अनोखा कम नज़र आया मैनू, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इत्थे विपक्ष नूं भी उन्ना ही सुनिया जाता है जिन्ना सरकार नूं सुनिया जाता है। इन्होंने पंज मैंबरी कमेटी बनाई, उस हर डिपू के उपर बिठा दी अपने अपने चेलिया की लीडर ने, उन्होंने चेलिया ने देख लिया भी अद्धा किलो किलो कणक 5 किलो कणक कौन लैन आ रहा है, ये बूथ से बैठा सी, ये कांग्रसी है, ये अकाली दल है, ये बीजेपी है, ये PLC है। सो उन्होंने ये कट मरवाया उन्होंने चेलिया ने, जबकि वो इलीगल कमेटी है 5 मैंबरी कमेटी, मैं उन्होंने लीगल नहीं मिलता, क्योंकि सरकार जब कोई कमेटी बनती है रेशो दे नाल हर पोलीटिकल पार्टी का मैंबर लिया जाता, नुमाइंदा लिया जाता। इन्होंने 5 से 5 मैंबर जोड़े हैं नॉन MC उत्थे दे म्युनिसिपल कौंसल, देखो 60 से 60 MCA जो कि म्युनिसिपल कौंसल उस कमेटी का इन्होंने मैंबर कित भी नहीं बनाया। सो उन्होंने यह पिक एंड चूज कराई है। और साढ़े को जो लोग आए, साढ़े को जो जनता आई, पब्लिक आई, तो असी उन्हों का यह रोस लैके एक मैमोरेंडम के रूप के बड़ी सादगी के तरीके ऑनरेबल DC साहब न मिले और उन्होंने ये सारी गलबात ग्राउंड रियालिटी असी दसी। DC साहब कहते भी ये सरकार वालों नॉर्म्स हैं, मैं मनता गल भी नॉर्म्स हो सकती हैं, मैं एक गल जरूर इतने गल कहंगा कि नॉर्म्स उत्थे नहीं काम आंदियां, जे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल घर च खड़ा है, जे एक किसी ने किस्तों के AC लगा लिया, जे कोई 200 घर का जगह हैगी 3 पुत्रां च वंडी हुई है, उन्होंने पुत्रां के कार्ड बने हुए हैं, तो उन्होंने हिस्से च सिर्फ 60 गज जगह आती है। ये नॉर्म्स एप्लीकेबल होने चाहिए सरकारां वालों। अगर एक DC साहब कहते सानू लिस्ट लियाओ असी चैक करते हैं, असी एक हफ्ते के अंदर अंदर अपन लिस्टा तैयार करांगे सारे 60 से 60 वार्ड्स तो जिहड़े साडे Patiala 2 के पिंड पैंदे आ उन्हां तो लिस्टा मंगावांगे, वो इन्हां दे कोल असी टेबल ते रखांगे, आके ADC साहब का सानू नंबर दिता इन्होंने। सो असी वह जे उस तो बाद भी इन्होंने वह गरीब लोगों के कार्ड दोबारा रीस्टोर ना किते, असी वह लोगों नू लैके प्रोटेस्ट करांगे सरकार के खिलाफ DC साहब नू नोटिस दे के कि जी अज असी इन्हां दे हक दे विच, क्योंकि जनता दे हक दे विच प्रोटेस्ट करना कोई माड़ी गल नहीं, कोई राजनीति नहीं। इत्थे तुहाडे चैनल राही मैं बाकी दियां पोलीटिकल पार्टियां नू भी बेनती करांगा कि जदों इस इशू ते पब्लिक नू लैके असी कोई भी प्रोटेस्ट करिए वह भी साढ़े नाल आके साथ देन, क्योंकि ये सांझा मसला है, क्योंकि ये कार्ड जिहड़े हैगे गलत तरीके दे नाल कट्टे जा रहे हैं। हर बंदे का एक बजट बनिया होया महीने का, उसनों पता है कि मैनू जिहड़ी नरेंद्र मोदी जी कणक भेज रहे हैं सेंटर सरकार तो वह मैनू फ्री आनी है, और इन्होंने पिछले समय के फ्री कणक भी बंद करती। सो जिन्हां नू दे रहे हैं उन्होंने भी नहीं दे रहे, किसी नू कह देंदे हैं कि तुहाडा अंगूठा नहीं मिलता, साडी मशीन नहीं चलती, हाहाकार जी मची हुई है जब दी अपना भगवंत मान जी की सरकार आई है। सो मैं इत्थे एक हासोहीणी गल जरूर थोड़े चैनल लिए कहांगा कि बिजली फ्री करती, उस तो बाद नाल दी नाल पेट्रोल ते डीजल दे उपर इन्होंने असैस लाता, हुण बिजली फ्री करती लोगों दीआं कणकां शुरू कर दीआं कट्टणियां, लोगों दीआं कणकां चंडीगढ़ च ही रह गईआं उत्थे बिकरीआं, यह भी एक स्कैंडल निकलेगा कदे ना कदे थोड़े सामने आए। सरोज शर्मा जी। अच्छा जी, किथे रहंदे हो तुसीं? अपराणे विशनगर। अच्छा जी, हां जी, मलोत्रे दे नाल ही है। अच्छा, की कार्ड कट्टा गया तुहाडा जी? हां जी, कार्ड कट्टा साडे, ते बेटा भी बेरोजगार हैगा, बच्चे भी उहनां कोल 3 ने, ठीक है जी। ते पहले कणक दा मुद्दा नहीं दसदे, जे जाईदा ते मशीन खराब है, जे अदकी गए ते कहंदे तुहाडा प्रशासन कड़ी करता की कीता जा। समय तो ले रहे थे कलम। अच्छा, दा पहले ते हाड़ दे विचों खराब हो गया सी राशन कार्ड, जे हुण बणिया सी ते 5-4 वारी कणक मिली है, कदे पता ही नहीं लगता सी, वो कहंदा मशीन नहीं आई है, जे मशीन ठीक हो जाऊगी फिर आयो असीं फोन करांगे, कोई फोन नहीं कीता सानू, कदे जबरदस्ती जाके देख लिया ते मिल गई, नहीं नहीं मिली, वो भी घट करके। हाँ जी, हुण की भी बनना चाहिए, देखो भी जे रुजगार वधिया बच्चों का होण, फिर भी कोई डर नहीं है, भी डिपो की कणक महीना भी आउंदी हैगा, पर जे ना रुजगार होवे फिर तो कणक बहुत बड़ी चीज़ है। द एवन मीडिया चैनल लई पटियाला तो रजिंदर सिंह कोहली की खास रिपोर्ट।